ये मूवी देखने के बाद मैंने थोड़ी देर अपना दिमाग शांत करके सोचा, क्या सच में ये मूवी बॉलीवुड ने बनाई है? क्योंकि अब तक जितनी भी बॉलीवुड की मूवीज देखे आ रहे हैं कि कुछ टाइम से ही, वहां पर हमने देखा है कि कितनी वाहियात, कितनी घटिया, कितनी बकवास मूवीज और सीरीज आई हैं, लेकिन अचानक से इतनी बढ़िया मूवी आ जाना थोड़ा सा यकीन नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा मिमी मूवी के बारे में, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। तकरीबन ये जो इस मूवी की लेंथ है वो 2 घंटे 10 मिनट है, और इस मूवी को अपने टाइम से पहले रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने कहा है ये मूवी जो है वो लीक हो गई थी, इस कारण हम इस मूवी को 3 दिन पहले ही रिलीज कर रहे हैं। खैर, वो चीजें मुझे नहीं पता है। और जब इस मूवी को देखने के बाद मैंने जब इस मूवी के बारे में सर्च किया, तो पता चला कि ये जो मूवी है वो रीमेक है, एक मराठी मूवी है। मैंने उसका नाम लिखा है क्योंकि प्रोनंसिएशन मुझसे गड़बड़ ना हो जाए, माला आई वचाए, शायद मैंने इसका नाम सही से लिया हो, सॉरी अगर गलत उच्चारण कर दिया हो तो इस मूवी का ये रीमेक है। ये दोनों मूवी की कहानी सेम टू सेम है, बट जैसा भी है रीमेक बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा एक सोशल मैसेज इन्होंने दिया है, बहुत बढ़िया से हमारे सामने यहाँ पर ये जो मूवी है रिप्रेजेंट की गई है। ओके, तो कहानी के बारे में चर्चा करते हैं जो इस मूवी में दिखाई गई है। एक अमेरिकन कपल है जहां पर ये भारत आए हुए हैं, और ये भारत में एक ऐसी महिला की तलाश कर रहे हैं जो इनके बच्चे को जन्म दे सके। दरअसल ये सुरोगेट मदर चाहते हैं, क्योंकि जो अमेरिकन कपल है जो इसमें लेडी है वो मां नहीं बन सकती। और सुरोगेसी को लेकर भारत में भी बहुत सारे कानून बने हुए हैं, स्ट्रिक्ट कानून है, लेकिन बावजूद उनके भी जो महिलाएं हैं उनका गलत यूज कर लिया जाता है, वहां पर उनको बहुत सारा दुख झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को भी ये मूवी उठा रही है। तो जो ये अमेरिकन कपल भारत आए हुए, इनकी हेल्प करता है भानु प्रताप, जिसको प्ले किया पंकज त्रिपाठी सर ने, और सच में जो ये किरदार है बहुत ज्यादा आप लोगों को पसंद आने वाला है। मतलब इसमें जिस तरीके का इन्होंने इनोसेंस फेस यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस के मामले में, और जो ह्यूमर यहां पर दिखाया गया वो बहुत बढ़िया है। भानु प्रताप मिमी को इंट्रोड्यूस करवाता है इन अमेरिकन कपल्स, और इसको मनाने की भी कोशिश करता है, और इवन मना भी लेता है कि भाई देखो तुम अगर इनके बच्चे को जन्म दोगी तो तुम यानी सुरोगेसी मदर बनोगी तो यहां पर तुम्हें 20 लाख रुपए मिलेंगे। अब ये जो मिमी का करेक्टर है ये हीरोइन बनना चाहती है, तो इसको रुपयों की जरूरत है, तो ये रुपयों के लिए हां कर भी देती है कि ठीक है मैं ये काम कर दूंगी, 9 महीने की बात है, 9 महीने बाद ये बच्चा लेकर चले जाएंगे। लेकिन यहां पर ट्विस्ट तब आता है जब ये जो अमेरिकन कपल है इस बच्चे को लेने से मना कर देते हैं। आप देखो ये कोई स्पॉइलर नहीं है, ये सब चीजें अगर IMDb के ऊपर जाकर देखोगे तो वहां पर थोड़ा बहुत ब्रीफ वहां पर बताया भी हुआ है, और आप इवन ट्रेलर देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को पता भी चल जाएगा। तो जब यहां पर अमेरिकन कपल इस बच्चे को लेने के लिए मना कर देता है, और रीजन जो देता है कि इस बच्चे के अंदर जब ये बच्चा मतलब पैदा ही होने वाला होता है, कुछ महीने ही बचे होते हैं, तो कुछ महीने ही पहले ये मना करते हैं, तो रीजन ये देते हैं कि देखो इस बच्चे का दिमागी संतुलन खराब होगा, जब ये पैदा होगा तो ये ठीक नहीं होगा, अबनॉर्मल होगा, तो ये रीजन वो दे देते हैं। तो यहां पर आप लोग यहां माइंडसेट देखें तो यार कमाल की बात है, बच्चा उनका ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो सब्जी लेने आए हैं, देखो सब्जी खराब है गली सड़ी, हम सब्जी नहीं लेंगे, सब्जी अच्छी होगी तभी हम सब्जी लेंगे। अरे वहां पर एक इंसान की बात हो रही है, एक ह्यूमन की बात हो रही है, तो वहां पर इस तरीके की बात ये कर रहे हैं अमेरिकन कपल जो आया हुआ है। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं हकीकत में होती हैं जो इस मूवी में दिखाई गई है, ऐसी कपल जो है वो हरकतें करते भी हैं, और मुझे काफी ज्यादा खुशी है, और इस बात के लिए मैं तारीफ करना चाहूंगा इस मूवी की कि इसके अंदर हमें यानी भारतीयों को कोई गलत वे में नहीं दिखाया गया, कि उन्हें गवार नहीं दिखाया गया, उन्हें मंद बुद्धि नहीं दिखाया गया, कम अकल नहीं दिखाया गया। इवन इसके अंदर एक डायलॉग है जो पंकज त्रिपाठी सर इसके अंदर बोलते हैं, वो कहते हैं कि यार क्या हुआ अगर उस बच्चे का मानसिक संतुलन खराब है, बच्चा तो तुम्हारा है, जो इसमें भानु प्रताप का इन्होंने करेक्टर प्ले किया है, इनका भी कोई बच्चा नहीं होता, काफी टाइम से ये बच्चा चाह रहे थे लेकिन नहीं होता। तो ये कहते हैं अगर ये बच्चा मेरा होता तो मैं उनको अपने सर पे बिठा के रखता यार, इतना उन्होंने जो ह्यूमर यहां पर दिखाया है, कॉमन सेंस वाली जो बात की है कि इंसान की वैल्यू होनी चाहिए कि वो तुम्हारे बच्चा है, एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट करो, तुम तो उसको ऐसे फेंक के चले जा रहे हो जैसे वो प्रोडक्ट था, अब वो खराब निकल गया उसको फेंक दो। और इस मूवी में जो है वो सुरोगेसी की डार्क साइड दिखाने की कोशिश की गई कि अगर ऐसी चीजें होती हैं तो एक महिला के ऊपर क्या क्या बीतती है, समाज इस चीज को कैसे देखता है, यहां पर वो अपने सपनों को लेकर, एक महिला के सपनों का क्या होता है। इवन जब मिमी मैंने बताया कि वो हीरोइन बनना चाहती है और हीरोइन बनने के लिए उसको रुपए चाहिए, और 20 लाख रुपए के लिए जब वो हां करती है, और जब चीजें इसके साथ होती हैं तो कैसे इन सब चीजों को वो सर्वाइव करती है, अपने सपनों को वो एक तरीके से कहें कि उसको भूलना पड़ता है इस बच्चे को लेकर। और जब मूवी की शुरुआत होती है बड़े ही लाइट हार्ट वेट से होती है, मतलब कि इसमें बिल्कुल नॉर्मल सी एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, बेस तैयार करने की कोशिश की जाती है, कहानी डेवलप हो रही होती है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक होता है, लेकिन जब सेकंड हाफ में जाते हैं तो मुझे लगता है कि यार हाँ यार अब थोड़ी जो मूवी है वो इमोशनल होने वाली है। लेकिन एक इमोशनल सीन होता है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन होता है उसके अंदर, जो मिमी रो रही है, बहुत ज्यादा
इंटेंस माहौल होता है, लेकिन उस वक्त जो एक्शन होता है मिमी का यार, वो हंसी आ जाती है। मतलब वो सीन अगर आप देखेंगे आप, मतलब आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे हंसने से। और इसके बाद एक के बाद जो सीन इसके अंदर आ, जैसे जैसे माहौल इंटेंस होता है उसको कॉमेडी वे में तब्दील किया जाता है, मतलब फनी चीजें होने लग जाती हैं और वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि यार एक अच्छा मैसेज दिया जा रहा है, एक अच्छी मूवी चल रही है, यहां पर सीरियस है लेकिन यहां पर हंसी आ रही है। और सच में हंसी आती है, आप जब तक इस मूवी को देखते रहोगे इवन लास्ट में भी, मतलब आपको वो इमोशनल कर देती है। बहुत अच्छा लगता है यार इस मूवी को जब आप देखोगे, इमोशनल है, हंसी मजाक है, बहुत सारे आयाम है इस मूवी के अंदर। और जो मूवी की कहानी वो काफी ज्यादा अच्छी है, एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट, यानी एक डार्क साइड जो सुरोगेसी की डार्क साइड हमें दिखाने की कोशिश की है, बहुत बढ़िया किया गया। और इसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस है वो चार चांद लगा देती है इस मूवी में, जैसे कीर्ति सेनन की जो परफॉर्मेंस है, इवन हर एक कलाकार की, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक, हर एक कलाकार ने बहुत मेहनत की, वो आप लोग जब इस मूवी को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इवन जो कीर्ति सेनन है उन्होंने जो प्ले किया है मिमी का किरदार, स्टार्टिंग में आप उनका बिहेवियर देखिए कि बिल्कुल चंचल मनमोजी, लेकिन लास्ट में जैसे वो लाइफ जो उनकी चेंज होती है तो कैसे उनके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुए हैं, बहुत आप लोगों को देखने को फर्क मिलेगा, जो काफी अच्छी चीज है। और पंकज त्रिपाठी सर, मैंने तो कहा कि उन्होंने तो बहुत यार दिल जीत लेता है यार उनका किरदार तो। और इस मूवी के अंदर एक सीन आता है जिसमें अमेरिकन कपल जो है वापस आता है, सॉरी अब यहां पर स्पॉइलर आ रहे हैं, जब अमेरिकन कपल जो है वो वापस आता है अपने बच्चे के लिए, उनको पता चलता है कि यार बच्चा तो बिल्कुल सही हुआ है, बच्चे में तो कोई गड़बड़ नहीं है, तो ये सीन देखकर आप लोगों को इतना ज्यादा गुस्सा आएगा कि यार ये इन्होंने समझ क्या रखा है कि पहले इन्होंने मना कर दिया। आप देखिए माहौल, आप सिचुएशन देखिए कि पहले तो मिमी को बीच राहे में छोड़कर चले जाते हैं कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, वो जैसे तैसे उस चीज को सरवाइव करती है, उस बच्चे को एक्सेप्ट करती है, पालती है, उसका परिवार बहुत साथ देता है, यहां पर भानु प्रताप उसके साथ खड़ा रहता है, तो ये सब चीजें हो रही है, वो जैसे सरवाइव कर रही है। और जब बच्चा होता है, चार साल बीच जाते हैं, तो यहां पर वो उस बच्चे के साथ कनेक्ट हो गई है, एक माँ ही तो बन गई है वो, उसने ही उसको पाला है माँ और बाप बन के, तो उस चीज को लेकर जब उससे कनेक्ट हो जाती है तब ये यहां पर टपकते हैं, कहते हैं कि हमें हमारा बच्चा चाहिए, हमें पता चला है कि ये अब सही है। वो कमाल देखिए आप एक इन लोगों की, कि कैसे ये अपने फायदे के लिए दूसरे को बिल्कुल बिना सोचे समझे उनको हर्ट कर देते हैं। अब जैसे वो कनेक्ट हो गई, अब चाहते हैं कि हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे अगर आपने हमें बच्चा नहीं दिया, तो ये सब चीजें दिखाना, इवन ये जब आप देखोगे ना तो लिटरली आपको गुस्सा आएगा, यार ये क्या दकियानुसी सोच है इन लोगों की। और लास्ट में जाते जाते ये मूवी सच में बहुत ज्यादा इमोशनल कर देती है। जो मिमी जो कैरेक्टर है, इनके जो पिता है, जो खिलौना अपने पीछे छुपा लेते हैं यार, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया कि कह रहे होते हैं कि यार ये नहीं, यार ये सब चीजें नहीं, प्लीज ये चीज मत कर, वो वाला सीन आप देखोगे तो लिटरली आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और लास्ट में जो इसमें मैसेज दिया जाता है कि अगर इस दुनिया में जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनके लिए एक अलग से देश बनाया जाए, तो 9th पॉपुलेशन होगी रैंक के हिसाब से, मतलब 9वें स्थान पर आएगा जनसंख्या के स्थान पर, इतनी जनसंख्या है, इतने बच्चे बैठे हैं, अनाथ बच्चे बैठे हैं, तो उनको गोद लिया जाए बावजूद इसके कि जो सुरोगेसी मदर का जो सिलसिला चल रहा है, इसको रोक कर, इसको साइड में हटाकर, तो कितने सारे बच्चे बैठे हैं उनको अडॉप्ट कर लो, उनको एक परिवार मिल जाएगा, उनको माता पिता मिल जाएंगे, उनकी लाइफ सुधर जाएगी, और जिनको बच्चा चाहिए उनको एक बच्चा मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया मैसेज जो इन्होंने लास्ट में दिया, सच में यार वास्तव में इस मूवी को देखकर काफी रिलैक्स फील हुआ, सेटिस्फेक्शन मिला, एक मैसेज जो इन्होंने दिया है। तो इस तरीके की मूवी यार सच में बॉलीवुड से एक्सपेक्ट करना, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यार ऐसी मूवी देखने को मिल जाएगी, सच में ऐसी मूवी देखने को भी मिलेगी, इतना बढ़िया मैसेज ये देंगे और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया। इवन कोई प्रोपोगेंडा नहीं है यार मूवी के अंदर, बॉलीवुड की मूवी ज्यादातर तो प्रोपोगेंडा ही होता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी प्रोपोगेंडा नहीं है, एक एंटरटेनमेंट के साथ, मैसेज के साथ ये होती है यार मूवी, जिसको देखकर सच में दिल से तारीफ करने को मन करता है, सच में ये है मूवी। तो मेरी तरफ से इस मूवी को नो डाउट 10 out of 10 में देना चाहूंगा, बहुत अच्छी मुझे मूवी लगी। अगर किसी ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, अगर जिन्होंने नहीं देखी तो जाकर देखो यार, बहुत बढ़िया मूवी है, बॉलीवुड ने काफी टाइम बाद अच्छी मूवी निकाली है, मुझे तो पता भी नहीं यार कुछ टाइम पहले मैंने कौन सी मूवी देखी थी, खैर छोड़ो उस चीज को। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।